सेंटेंसेस कौन मंत्र था जी? ये दसवां हो गया ना, बारहवां भी हो गया था। पसनाया पिपा से शोकम अतिक्रम में स्वर्ग लोके मोदते, ऐसा स्वर्ग लोक सुना जाता है जहाँ न भूख है न प्यास है न जन्म है न जरा है न मृत्यु है, वो लोक है। तो उन्होंने पूछा किनते न ऐसा लोक है तो क्या हुआ, का उसको प्राप्त करना चाहते और उसके प्राप्ति के साधन भूत अग्नि विज्ञान है। उस अग्नि विज्ञान को हे जमराज आप जानते हैं, वो हमको दीजिए। तो दूसरे वर में स्वर्गीय स्वर्ग प्राप्त योग्य समर्थ अग्नि को मांगना, अग्नि विज्ञान को मांगना है। सत्वम अग्निम स्वर्गियम, स्वर्गे साधु इति स्वर्गियम, स्वर्ग के लिए जो उपयोगी है स्वर्ग देने में समर्थ। तादृशम स्वर्गियम स्वर्गियम अग्निम स एतादृशस्त्वम हे मृत्यु अध्येसि स्मरसि जानासि। अध्युपसर्ग किक धातु, अध्युपसर्ग किं धातु आत्मने पर, अध्येस मैंने अध्ययन करते हैं, अध्येस मैंने स्मरण करते हैं, मैंने तुमको वो विज्ञान है, ज्ञान अर्थ है। अधि भगवो, विद्यार्थी जाता रहा का अधि भगवो, आप अध्ययन कीजिए। तो अपने अध्ययन करने के लिए गए, उन्हीं को अध्ययन किया गया था, मतलब उस विद्या को स्मरण करके बुद्धिस्त करके विज्ञान को हमको बताइए। अध्येसी अच्छी प्रकार आप उसको जानते हैं। हे मृत्यु प्रब्रूही तम तम स्वर्गेयम अग्निम प्रब्रूही, कस्मै प्रब्रूही मह्यम श्रद्धाधानाय, हम श्रद्धालु हैं, श्रद्धा पूर्वक कह रहे हैं, श्रद्धाधानाय मह्यम स्वर्ग लोकामृतत्व भजन्ते, ये स्वर्ग लोका जे सन्ति, ऐसे स्वर्ग लोक में जाने वाले स्वर्ग एवं लोक जैसा स्वर्ग लोकामृतत्व भजन्ते, वहाँ जाने पर अमृत हो जाते हैं। ये तब द्वितीय न बरे न प्रीले, ये दूसरे वर के बदले में हम मान भजन्ते कि भजन भजन्त है, भजन्ते में इकार का जकार हो गया, लोप हो गया होगा। एवं गुण विशिष्ट से स्वर्ग लोकस्य, न मृत्यु है न जरा है न स्नाय है न पिपासा है, ऐसा रहे तो आनंद है, आनंद है न जरा और न बुढ़ापा, बुढ़ापन जरा है न मरना और न जन्म लेना। और कोई एक भूख प्यास सताएगी, और भूख प्यासे के लिए तो इतना जगत का जंजाल हम लोग करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के काम किसके लिए, पेट के लिए। असनाय पिपासा है नहीं जब, तो क्या आनंद आएगा उसकी कल्पना आदमी करता है, तो कितना आनंद आता है, ये भूख प्यास नहीं रहेगी। आज विज्ञान बना रहेगा, सब जानता रहेगा, सब आमोद प्रमोद करता रहेगा, न खाना न पीना, न चूल्हा चौका, न कुछ नहीं, न गैस न फैस, कितना बढ़िया देवता लोगों का आराम है। तो दिन भर क्या करेंगे, दूसरे से लड़ाई करेंगे या फिर तो हम लोग दिन भर लड़ाई कैसे करेंगे, वो सत्व गुण संपन्न है, लड़ाई नहीं करेंगे, दिन भर हम लोग खाने जुटाने में ही मर जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई काम ही नहीं दिखाई देगा। सत्व बहुल होने के कारण वहाँ कर्म है ही नहीं है, भोग भूमि न है। सत्व बहुल होने के कारण वो झगड़ा लड़ाई भी नहीं जानते है कि क्या झगड़ा होती है, और जो गुण है नहीं कि बहुत क्रियाशील है, तो खाली ज्ञान भी ज्ञान वहाँ रहता है। कर्म भूमि नहीं है ना, भोग भूमि है, कर्म विज्ञान के फल प्राप्त करते हैं, तो बहुत विलक्षण है लोग। और उस स्वर्ग को हम लोग खाली स्वर्ग सबसे कह देते, उधर ध्यान थोड़े देते हैं कि क्या स्वर्ग में होता होगा, क्या लोग हो, कैसे रहते होंगे, आप बैठ करके चिंतन करें शास्त्रानुसार कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो इच्छा हो जाएगी कि किसी भी मूल्य पर चलो, पृथ्वी की सब आधी से ज्यादा संपदा दे करके लोग क्या करते रहे, अश्वमेध यज्ञ करते रहे, विश्व जीत यज्ञ करते रहे, सब लुटा करके ना विश्व जीत यज्ञ था, और उसका फल है क्या चीज, स्वर्ग। और सब पृथ्वी लुटा दीजिए, दृष्ट सब लुटा दीजिए, लुटा दीजिए मैंने दे दीजिए ब्राह्मण को, सर्वस्व दान किसके लिए, स्वर्ग लोक के लिए। और स्वर्ग लोक का उत्कृष्ट फल रहा तब तो बड़े बड़े विज्ञानी बुद्धिमान राजा लोग क्या करते रहे, इस धन को
खत्म कर देते रहे कि इसे क्या करेंगे, बहुत आनंद करेंगे तो जागृत काल में आनंद, सोएंगे तो कुल बेकार गया, इरादत उजारत लेकर के सो गया वो बेकार हो गया। तो ये जो है अल्प सुखदायी है, इसको भजा करके रूपांतर में पुण्य में परिवर्तित जब कर दिया गया तो यही धन क्या हो गया, अस्थाई सुख का कारण। जैन रूपेण धनादि है ना, रुपया पैसा धन दौलत जगह जमीन पशु हिरण्य ये सब जिस रूप से उस रूप से स्थाई सुख हेतु नहीं है, किंचित परिणामे न स्थाई सुख हेतु। क्या परिणाम है, दान, इसको दान दे दिया। दान देने का मतलब है कि विनिमय, पुण्यम गृहीतम अधनम दत्तम, कोई वस्तु ले करके और कोई देता है ना तो पुण्य उसके बदले में ले लिया, अधन दे दिया। जैसे मान लीजिए कोई धन ले जाना होता है विदेश में तो बैंक में दे देते हैं, चेक ले लेते हैं, ड्राफ्ट ले लेते हैं, कितना पत्ता ले लिया और जेबन में खंस के चल दिए और वहाँ जा करके क्या किए, हजा लिए। तो वैसे पुण्य जो है यहाँ से आत्मा में समाज संबंध से ले लिया और पहुँच गया वहाँ स्वर्ग लोक में आराम करना। इस धन को कैसे गठिया करके ले लिया, तो इसलिए वो बहुत उपयुक्त है, बड़ा उसमें आनंद आनंद है, किंतु ब्रह्मानंद के सामने तुच्छ। ब्रह्मानंद के सामने क्या है, तुच्छ, बिल्कुल तुच्छ है। इस तरफ जो है ताकना, ताकने की भी इच्छा नहीं है। चलिए अब सब आप लोग विद्वान है क्या, बहुत बढ़ा के कहना है। स प्राप्ति साधन एवं गुण विशिष्ट से स्वर्गलोक से प्राप्ति साधन भूतम अग्नि अग्नि विज्ञानम इत्यर्थ, कोई कर्म भूत है अग्नि सबसे निर्दिष्ट है। स्वर्गम स्वर्ग साधन भूतम सत्वम मृतो अध्येसी स्मरस जानासी, एक स्मरण से लगा है अध्येसी, अधि उपसर्ग एक स्मरण तीर्ण धातु के तरह चलेगा, अध्येति अधीत अधियंति स्मरण स्मरण अधिपूर्वक भी होता है। जानासी स्मर्श का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं। हे मृत्यु जतस्तम प्रब्रूहि कथय, जतस्तम जानासी अतः तम अग्निम प्रकर्षेण ब्रूहिति प्रब्रूहि कथय। श्रद्ध उपपद है, अधा धातु है, सानच प्रत्यय हुआ तो क्या बन गया, श्रद्धान तस्मै श्रद्धानाय श्रद्धावते इत्यर्थ, श्रद्धा मानुषी से है, श्रद्धा को श्रद्धा मानुषी से कोई चीज कही जाती है और असूया मानुषी से कोई नहीं कही जाती है। श्रद्धा मान लभते ज्ञानमिति स्मृते मह्यम स्वर्गार्थिने, हम स्वर्ग की इच्छा वाले हैं और हमको उसको बताइए। जो मध्यम पुरुष का प्रयोग करते उस समय अपना अपमान नहीं होता था, अभी किसी मध्यम पुरुष से अपमान कहाँ होता, अभी तुम कीजिए किसी को, भावना कौन गई है, भावना कैसे है का, मतलब भगवान गुरु इत्यादि के लिए कहा जाता रहा भगवान, गुरु को कहा जाता रहा ना तो भगवान सबसे कहा जाता रहा, नहीं तो बाकी लोगों को जिसमत सब का प्रयोग है मध्यम, सबको अपमाने मालूम होगा तो मध्यम पुरुष का प्रयोग, उस समय अपमान वाचक नहीं, उस समय का किसी भी समय नहीं, लेकिन अब भावना बन गई हिंदी में तुम कहे किसी, इसी से संस्कृत में ऐसा होगा, हिंदी में तुम कहिए ना कितना बुरा लगेगा, तुम हे ईश्वर तुम आओ, किसी को तुमको तो भगवान को बुरा नहीं लगता है। तो जुस्मत शब्द का प्रयोग है, गुरु जी के लिए नहीं कहा जाता, तो ये भाष्यकार लोग भी दूसरे आचार्य को जब कहते हैं ना संबोधन तो भगवान लोग कह खलु भवता मत सर, ऐसा भाष्यकार वार्तिकार के लिए कहते कह खलु भवता भगवान मन्यते, ऐसे करके अनेक बार प्रयोग किया, तोम का प्रयोग नहीं किया। पाणिनि भगवान को भी भवान शब्द से तत्र भवान आचार्य पूर्वाभिमुख दर्भ पवित्र पाणी ऐसे करके दिया। मृत्यु हो मृत्यु जतस्तम मतलब कि भवत शब्द से आदर तो मालूम होता है कि तोम शब्द से अपमान नहीं मालूम होता है, फिर भी आचार्यों के लिए तोम शब्द का प्रयोग नहीं कर। स्वर्गो लोको श्रद्धावते मह्यम स्वर्गार्थिने, जे न अग्निना चिते न, जे न अग्निना चिते न, कहाँ ये न है, अच्छा जे न अपने से जुड़िए,
स्वर्ग लोकामृत तुम भजनते ये न अग्निना चिते न संपादिते न ची धातु से तप्रते चिते न जथावत संपादिते न जथावत चयन करने के बाद स्वर्ग लोका स्वर्गो लोका जैसा अंते स्वर्गो लोको जैसा अंते स्वर्ग लोका है स्वर्ग लोक जिनके हैं माने अभिप्सित स्वर्ग लोक है जिनके ऐसे ते स्वर्ग लोक का जजमाना है। अभी स्वर्ग में कहाँ पहुँचे हैं लेकिन स्वर्ग लोक कामना है तो इस लोक को अपना लोक नहीं समझते हैं उस स्वर्ग लोक को ही अर्थात स्वर्ग कामा ही अर्थ जजमाना अमृतत्व अमरणताम देवत्व भजन्ते अमरण भाव को प्राप्त हो जाते हैं क्या मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं नहीं अमरण भाव माने अमृतत्व देवत्व देव भाव को प्राप्त कर जाते हैं। तदेतद अग्नि विज्ञानम द्वितीय न वरेण वृणेय हम दूसरे पर से उसको वृणुते वृणवाते वृणवते वृणु से वृणवाते वृणुधे वृणे वृणु महे वृणी महे कहा गया वृणे है ना वृणु महे वृणी महे क्या है वृण वर्णन है स्वादी में सुनू से सुनू हो गया वृणुते न है जी स्नु वाला वृणु बहे अवृण बबा है किसका स्ना का है ना स्ना का होगा तभी बनेगा वृणा थी स्नु का है वृणे स्नु का करेगा स्ना का वृणे बनेगा नहीं बनेगा स्ना का रहेगा वृणुवे बनेगा सना में बनेगा सना भ्यस्तो रात से आकार कर लो वृणीते वृणाते 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 हो गया भ्रष्टो रात से स्ना में आकलोप हो गया ये जाके मिला ब्रिंडे ब्रिंडीते ब्रिंडवाते ब्रिंडते ब्रिंडी से ब्रिंडवाते ब्रिंडवाते क्यों घुटे ब्रिंडीते ब्रिंडाते ब्रिंडते ब्रिंडते नहीं ब्रिंडु नहीं ना है ब्रिंडा ब्रिंडु का नहीं ब्रिंडु का नहीं ब्रिंडा ब्रिंडीते ब्रिंडाते ब्रिंडते ब्रिंडी से ब्रिंडाते ब्रिंडीते ब्रिंडे हल लगो वरण करता हूँ वृणोमी बड़ी आत्मने पद बढ़िया है वृणोमी मृतो प्रतिज्ञेय और मृत्यु प्रतिज्ञा करते हैं देने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं जरूर उस अग्नि विज्ञान को देंगे प्रते ब्रवीमी व्यवहिते भी छंदस प्रादि जो है छंद में व्यवधान में भी प्रयोग होता है ते तुभ्यम प्रब्रवीमि के जगह प्रते ब्रवीमि ते प्रब्रवीमि लोक में रहता तो प्रब्रवीमि होता ते धातु प्राग ते प्राग धातु ते प्रादेय धातु प्राग प्रयुक्त व्यवहिताश्च परेति छंद में व्यवहित भी होता है पर में भी होता है तदु करेंगे प्रते तुभ्यम ब्रवीम प्रब्रवीम प्रते का अर्थ हो गया तुभ्यम प्रब्रवीमि प्र खींच करके इधर ले आइए जब त्वया प्रार्थितम किम प्रब्रवीमि तदु उ में सह स्मरण जब त्वया प्रार्थितम तत् तुभ्यम ब्रवीमि प्रब्रवीमि तदु मे मम वचसो निभु प्रार्थितम तदु अच्छा मे मम वचसः कथयतः वचसः हम कह रहे हैं और कहने के बाद जो हमारी वाणी है उसको अच्छी तरह से क्या करो निबोध श्रृणु एकाग्र मना बुद्ध्यस्व से वाणी को सुनो और उसके अर्थ का बोधन करो कैसे कैसे वो विज्ञान होता है एकाग्र मना सन निबोध सन सन उधर हो गया स्वर्गम स्वर्गाय हितमिति स्वर्ग साधनमिति अर्थ स्वर्ग मैंने स्वर्ग के लिए हितकारी हो स्वर्ग हितकारी मैंने स्वर्ग देने वाला स्वर्ग का साधन भूत हे नचिकेत प्रजानन विज्ञतवान हम समित्यर्थ मैं उस अग्नि विज्ञान को जानता हूँ और तुमको मैं बताऊँ बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से बुद्ध्यस्व निबुद्ध्यस्व अनंत लोकाप्तिमत हो प्रतिष्ठान विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां यही न है प्रब्रवीमि तन्निबोधयति च कहा बोल रहे हैं तो बोल दीजिए प्रब्रवीमि कह के और क्यों बोलना शुरू करते हैं बोलिए तो ही गया प्रब्रवीमि बोलने ही से
बोलना आरंभ करने से ही हो रहा है प्रब्रवीमी, तो वचन कहने की क्या जरूरत है, बोलना आरंभ करे आदमी तो कहे ब्रवीमी, मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं, इसी से सिद्ध हो गया कि आप बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ कहने की क्या जरूरत है, और आप जो बोल रहे हैं वो तो कान लगा के सुन रहा है, जिज्ञासु है, तो आपके बिना कहे भी निबोधन तो करेगा ही, तो फिर उसको निबोध क्यों कहा, तो कहा ये व्यंग है, त्वामस में बच में विदुषाम समवाय प्रतिष्ठति, साहित्य में पढ़ाया जाता है कि त्वाम बच्मी, त्वाम त्वाम अस्मि बच्मि विदुषाम, मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसे कहा जाता है ना किसी छोटे को समझा, मैं कह रहा हूँ, ध्यान देखो देव, माने मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा बाप, तुम्हारा मात, तुम्हारी माता, और तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ माने तुम शिष्य हो, पुत्र हो, या दास हो, नौकर हो, जो जैसा रहेगा, ये दोनों कहा जाता है। तो त्वम पदार्थ के लक्षणा होती है, तो यहाँ क्या कहना है, सावधान करना है, तो कोई दूसरी बात रहती तो हो सकता था कि अनवहित चित्त हो जाता, किंतु अहम ब्रवीमि, मैं इंद्र कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ, अच्छी तरह से निबोध कर लो कि कोई बात छूट नहीं, इसी को लिख रहा है कि प्रब्रवीमि तन निबोध इति च पदद्वयम् शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम्, शिष्य बुद्धि के समाधान के लिए, समाधान समाधानम नाम एकाग्रता, चित्त से समाधानम इतर वृत्ति निवृत्ति पूर्वकम एकाग्रता, एकस्मिन विषय अग्रता, अग्रता मैंने प्राधान्य अवस्थिति, जो विषय हम कह रहे हैं उसी में चित्त लगाने का नाम है एकाग्रता। ये दोनों बात कह दिया सावधानी के लिए, नहीं कहते तभी सावधान रहता, किंतु कोई महत्वपूर्ण बात कहनी होती है तो इसी ढंग से कहा गया। अधुना अग्निमस्तौती, अब आगे वाले वाक्य से अनंत लोकाप्तिमथ शब्द से उस अग्नि की स्तुति करते हैं, जिस चीज को पढ़ाना हो, बताना हो, लिखाना हो या सीखना हो, तो उसकी प्रशंसा पहले की जाती है, आदर, तो इससे वो बात क्या है, वो विद्या जल्दी से आ जाती है। यानी अंग्रेजी सीखते रहिए, अंग्रेजी की निंदा करते रहिए, तो तीनों काल में नहीं है। कोई भाषा चाहे कोई विज्ञान सीख रहे हैं ना, अब जो योगा सीखने गए हैं, जो कि रोज निंदा करते हैं, तो कभी नहीं आएगा, इसलिए जो विद्या हो उसको सीखने के लिए क्या करनी पड़ती है, स्तुति करनी, दोनों को, बताने वाले को भी स्तुति करनी पड़ती है और शिष्य को भी, जो सुनता है उसे भी, इससे श्रद्धा अतिशयो जायते। अधुना अग्निमस्तवती प्रशंसते, प्रशंसति क्या प्रशंसा कर रहे हैं, अनंत लोकाप्ति, अनंत लोकाप्तिम स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम इत्येतत्, अनंत से लोक से आप्ति व्यधिकरण बबरी कीजिए, अनंत लोक हो गया, न विद्यते अंत जस स इति अनंत, स चासो लोक स्वर्ग लोक, जिसका अंत नहीं है, अत से अनंत लोक से प्राप्ति ही, जेन साधने न ये न तद अनंत लोक प्राप्ति, तो ये व्यधिकरण तृतीयांत बबरी है, इसीलिए साधनम लिख दिया उन्होंने, स्वर्ग अनंत लोक हो गया स्वर्ग लोक, और उसके जो तदेव स्वर्ग लोक ही फल है, इति स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम, अनंत लोक काप्ति है ये अग्नि, क्या है, अनंत लोक काप्ति है, अनंत लोक रूप फल प्राप्ति साधन भूत है, यही इसी से प्राप्त किया जा सकता है, एक विशेषण को। अथो अपि और अथ का अर्थ हुआ अपि, समुच्चय के लिए प्रतिष्ठान, और यह प्रतिष्ठा है, अग्नि ही प्रतिष्ठा है, किसकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मैंने आश्रय, अधिष्ठानम प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा करण में प्रतिष्ठति, प्रति प्रतिष्ठति कही प्रतिष्ठते, तिष्ठत नहीं होगा, समय पर आत्मने पद होगा, प्रतिष्ठते प्रयोग साधु, अब प्रतिष्ठत प्रयोग क्या है, साधु, सम और अभी, इसके बाद अस्था धातु का आत्मने पद, सम संतिष्ठते, संतिष्ठते वितिष्ठते प्रतिष्ठते अवतिष्ठते, प्रतिष्ठां जगत के आश्रय है, अधुना आश्रयम प्रतिष्ठां
आश्रयम जगतो, ये जगत के प्रतिष्ठा है का, अग्नि कैसे जगत की प्रतिष्ठा है? जगत तो अग्नि के बाद जल भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, वो सब अग्नि के भीतर है। बहुत कहेंगे तो कहेंगे कि पृथ्वी और जल की प्रतिष्ठा अग्नि है, और अग्नि के भी तो प्रतिष्ठा वायु है, तो अग्नि सब के प्रतिष्ठा कैसे है का? अग्नि माने समझते हो, अग्नि माने क्या? अग्नि का अर्थ है विराट, स्थूल प्रपंचो उपहित चैतन्य विराट ब्रह्मा, ये अग्नि है। स्थूल ब्रह्म विज्ञान, स्थूल ब्रह्म, स्थूलोपाधि से युक्त ब्रह्म, अग्नि समष्टि रूप स्थूल प्रपंच, स्थूल प्रपंच के समष्टि उपहित चैतन्य विराट, तो विराट ही तो संसार के प्रतिष्ठा है। अब विराट संसार के प्रतिष्ठा है कि को अर्थ विराट का मतलब इस समस्त प्रपंच स्थूल प्रपंचो उपहित चैतन्य, उपहित चैतन्य मैंने समस्त स्थूल प्रपंच किस में अध्यस्त है? तो स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त। जैसे घट की प्रतिष्ठा कौन है? घटावच्छिन्न चैतन्य, तो घटावच्छिन्न चैतन्य में घड़ा प्रतिष्ठित है। उसी तरह से पर्वत पर्वतावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। विराट भगवान किस में अध्यस्त है? तो स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त। तस्मात विराट ही जो है संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है। विराट से चैतन्य तक पहुंचना, खाली विराट उपाधि मात्र में। तो बता दिया कि किसी को ये शंका न हो कि स्थूल जो अग्नि है दिखाई दे रही है जलता हुआ, ये अग्नि से अग्नि नहीं मतलब है, अग्नि विराट, विराट रूपेण जगतो आश्रयम केन रूपेण आश्रयम शब्द द्वितीयांत है, विधि में लगाना है ना, नहीं आश्रय पुल्लिंग होता है, आश्रयम त्वम विधि प्रतिष्ठान आश्रयम जगतो विराट रूपेण तम एतम अग्नि मया उच्यमानम। मैं आगे अब कह ही रहा हूँ वर्तमान समय पे, वर्तमान वर्ग कहा तो नहीं है, कह तो नहीं रहे, आगे कहेंगे एक क्षण के बाद, तब उच्यमान प्रथमान वर्तमान में कैसे हुआ, वर्तमान समीपे अभी जाने वाला है, तो कोई कहता है कि गए नहीं, अभी जा ही रहा हूँ, तो जा ही रहा हूँ के मतलब वर्तमान समीपे वर्तमान हुआ, आया एक घंटे से है, कब आए? अब कलकत्ता से, बस अभी अभी चले आ रहे हैं, तो अभी अभी चले आ रहे हैं के मतलब कि वर्तमान समीपे वर्तमान हुआ, वाह, वर्तमान के समीप भूत रहेगा और भविष्य रहेगा, सन्निकट भूत भविष्य में वर्तमान का प्रयोग साध होता है। एस गच्छामि जैसे है, गमिष्यामि के जगह गच्छामि, तो उच्यमानम मया उच्यमानम विधि जानेहि त्वम निहितम स्थितम गुहायाम का, वो अग्नि कहाँ पर रहता है जो विराट रूप से अग्नि है? तो तम अग्नि निहितम निधापितम स्थितम पुत्र गुहायाम विदुषाम बुद्धौ निविष्टम इति अर्थ, विद्वानों के बुद्धि में वो अग्नि रूप विराट रूप परमेश्वर छिपा रहता है, सूक्ष्म रूपेण विद्वानों के बुद्धि में निविष्ट है। ये इतना तब उसने जमराज ने नचिकेता से कहा, अब आगे वाला जो वाक्य है वो श्रुति वाक्य है, वो स्वतंत्र रूप से कह रही कि इसके बाद उस जमराज ने क्या किया कि लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मयी तस्मयी नचिकेत से तम अग्निम लोकादिम लोका नाम कारणभूतम अग्निम विराट रूपेण अवस्थितम तद अग्निम तस्मयी श्रद्धानाय नचिकेत से उवाच जम उवाच जम ने उनको बताया, ये श्रुति वाक्य अर्थ देखिए, इदम श्रुति वचन बुद्धि न गुफा है, शंकर जो संकीर्ण होने के कारण क्या है गुफा है, बुद्धि के भीतर कोई जान सकता है? हमारे बुद्धि के भीतर क्या है कोई नहीं जानता, केवल हम ही जानते हैं, इसीलिए गुफा है, गुफा में छिपा है तो कौन जानता है, गुहाबित जानेगा, जिसकी गुफा है वो जानेगा कि हमने क्या क्या छिपा कर रखा है इसके भीतर। तो मनुष्य के अंतःकरण मानो गुफा है, उस गुफा में कौन रहता है, उसका धर्माधर्म उसी में रहता है, जितना पुण्य पाप है सब लोगों के आँख से बचा करके कहाँ रखे रहते हैं, अपने मन में छिपाए रखते हैं, मन में छिपा रहे, जो आवश्यक होता है उसी को निकाल निकाल करके आवेदन करते हैं किसी दूसरे से, अब पपवा जो रहता है नहीं कहने वाला उसको छिपाए रहते हैं।
और ऐसे ऐसे गुणों से प्रसन्न होते हैं जिसे कभी जन्म में परिचय नहीं है। कहेंगे आप तो महाविद्वान हैं, आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, मूर्ख रहेगा तो बड़ा प्रसन्न हो। उन गुणों से जन्म जन्मांतर में परिचय न रहने पर भी गुणों के श्रवण से मंत्रमुग्ध आदमी हो जाता है, जानते जानता है कि तीनों काल में नहीं है, जानता है कि झूठ बोल रहा है बिल्कुल, लेकिन वो ऐसा आनंद है प्रशंसा वाला, इसको छोड़ने से उसमें कोई खलल पैदा करता है या भोजनों के लिए कोई बुलाव नहीं गया, रहो खाएंगे ना अभी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी इसको सुन लेना तो क्या कह रहा है। वो प्रशंसा ऐसी चीज होती है, तो गोपनीय रखता है पाप को। आज जो पाप के लिए शास्त्र कहता है कि कह दो, पाप को छिपाने के लिए नहीं मिली है, अपने पाप को क्या करे, तीन ठे कोई अच्छे गुरु को या श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुला करके यदि प्रायश्चित नहीं किया हो, सब अपने पापों को कहते, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, वो निष्पाप हो जाता है, स्मृति का वचन है। और उल्टा आदमी करता है कि उसको गोपित रखता है, अब पुण्य को छिपाना चाहिए तो पुण्य को कहता है, धन को गोपनीय रखना चाहिए तो धन कहेगा हमको इतना ही आसान बंगला है, इतना बिल्डिंग है। विद्या को गोपनीय रखी जाती है, सबके लिए नहीं कही जाती, विद्या को आदमी बढ़ाता है, PhD, डीलिट, आचार्य, नवाचार्य, दशाचार्य, नौ विषय से आचार्य, तो नवाचार्य हम लोग उनको कहा करते रहे, मर गए बहुत अच्छे आदमी थे, जितना विषय नौ विषय से आचार्य उनका नाम है नवाचार्य। तो ऐसे उल्टा के पलटा चलता है। गुफा इसलिए कहा कि उसके भीतर कोई चीज रहती है ना जो सर्व विदित नहीं होती, इसलिए गुफा है। घर में रखेंगे तो कोई ना कोई जानिए जाएगा, सरकारी छापा पड़ेगा तो जरूर मालूम हो जाएगा। और मन की बात या तो वही जानता है प्रत्येगात्मा, या तो ईश्वर जानता है, दूसरा कोई उसकी बात नहीं जान सकता। गुफा है, श्रुतेर वचन लोकादिम लोका नाम आदिम, लोगों के आदि है, लोगों के आदि मैंने आदि कारणम, लोगों के कारण है का, हाँ, प्रथम शरीर शरीरित्वात् हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत्, हिरण्यगर्भ जो विराट है वो सबसे पहले पैदा हुआ। कहा इधे श्रुतेर वचनम है ना, ये इदम का मतलब लोकादि मग्निम जो आगे मंत्र है वो न नचिकेता का वचन है और न यम का वचन, इसका वचन है श्रुति, वो भी श्रुति का वचन था किंतु आख्यायिका के अंतर्गत था। आख्यायिका में तो या तो वो बोले या ई बोले, इस बीच में जो तृतीय कौन बोलने वाले, जो श्रुति तटस्थ रूप से कह रही है कि इसके अनंतर जमराज ने उनको उपदेश इस प्रकार से दिया, ये वचन स्मृति वचन से मतलब नहीं है, ये जो आगे व्याख्यातव्य मंत्र है श्रुति का तटस्थ वचन है। लोका नाम आदिम, प्रथम शरीर इत्वाद सबसे आदि है, प्रथम शरीर ऐसे लोकादि है, इसलिए कह लिया कि लोगों के आदि तो परब्रह्म परमेश्वर है, उनसे जतो भाई मान भूता नहीं जाते, सबसे आदि में तो परमेश्वर है, आदि मैंने इसी की अपेक्षा आदि है, न उनका आदि कोई है और न उनका कोई अंत है, तो यतो भाईमान भूता नहीं जायते इत्यादि मंत्र से तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप न आदि परमेश्वरी। अग्नि कहिया से आदि हो गए, का अग्नि का अर्थ विराट है, ये कब आदि हो गए, तो उस स्थूल प्रपंच के उत्पत्ति के पहले सबसे पहले कौन पैदा हुआ, ब्रह्मा विराट पैदा हुआ, इसलिए इनको लोक के आदि कहा। उसके पहले भी हिरण्यगर्भ रूप थे, और हिरण्यगर्भ यदि लेना है तो सूक्ष्म प्रपंच के पहले जब व्याकृत हुआ ना, अव्याकृत अज्ञान से बाद जब व्याकृत होना शुरू हुआ तो उस समय हिरण्यगर्भ जो है पैदा हुए भगवत इच्छा से। प्रथम शरीरित्वात् सबई शरीरी प्रथम, ऐसे करके मंत्र भी आया है। अग्निम लोकादिम आदि लोका नाम आदिम, तम प्रकृतम नचिकेतम प्रकृतम अग्निम प्रारभ्यमाणम प्रारब्धम अग्निम नचिकेतसा प्रार्थितम, जिसको नचिकेता ने प्रार्थना किया था। उवाच उक्तवान मृत्युः, मृत्यु ने कहा उनको तस्मै नचिकेतसे, यहाँ तक हुआ तमुवाच तस्मै, और आगे क्या बताया कह दिया, तो क्या कहा कैसे कहा, तो ये अनुष्ठान है अग्नि,
उनके बारे में तो अग्नि विराट के बारे में बताया ही, और वो विराट के प्राप्ति के जो अग्नि चयन है उसको भी बता दिया। क्या बता दिया कि तस्मै जा इष्टिका किंच जा इष्टका चेतव्या स्वरूपेण, जो इष्टका है छोटी छोटी ईंट है बेदी बनाने के लिए, तो जा इष्टका चेतव्या चयनिया ताह अपि स्वरूपेण उक्ता, स्वरूपतः जो ईंटे चयनी है उसको भी उन्होंने बताया कि इस प्रकार की इष्टिका उसमें चाहिए। ईंटे अर्थ, यदि कोई इष्टि रहती है अनुष्ठान का अंग, उसको इष्टका नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? इष्टि। जैसे अश्वमेध जगादि में छोटे छोटे प्रयाज अनुजाज इष्टि विशेष रहती है, अंग भूत उसे अतिरिक्त कर दो, तो वो इष्टि का मतलब जाग नहीं है, इष्टका है। इष्टका का मतलब ईटा, ईंट, छोटे छोटे ईंटों की बेदी बनाते हैं ना, जावतीरबा जत संख्या संख्या जावती और या जा का तो अर्थ किया जत स्वरूपा इष्टका सा उक्ता, और जावती का अर्थ गया जावत संख्या का इष्टका अभिप्रेता सा उक्ता। ये संख्या के अभिप्राय से जावती है, जब तदेतेभ्य परिमाणे मतुप बतुप बतुप, तो जावत तावत बना स्त्रीलिंग में जावती उगित संगीप जावती तावती वा संख्या जथा वा चियते अग्नि अजेन पर उसकी इति कर्तव्यता भी बताया, ईंटों की संख्या बता दिया, जिस प्रकार की इष्टका चाहिए वो भी बता दिया, किस प्रकार से चयन हो केन मंत्र से और किस विधि से वो भी बताया। जथा वा चियते अग्नि जेन प्रकार सर्वम एतद् उक्तवान इति अर्थः, और एक के बार कहा सच्चा पिन चिकेता तन मृत्युना उक्तम तत्सर्वम मृत्युना प्रोक्तम जथावत प्रत्यय न अवदत, वो जैसे जैसे कहा था ना सब उसी समय सुना दिया, तो सुना दिया तो वक्ता श्रोता दोनों को निश्चित हो गया, तो सुना दे कि यही यही ना आप कहे हैं, इनका हाँ बहुत प्रसन्न। नहीं सुनाता तो जमराज को गुरु को होता कि हमने कहा तो पता नहीं जथावत इसने अधिगमन किया कि, और तुरंत प्रयोग में बता दिया तो तस्य तुष्टो भवद मुनि, तो तुष्ट हो गए, उसको बहुत प्रसन्न हो गया। प्रदत्त प्रत्युच्चारित प्रत्यवदत्त माने प्रत्युच्चारितवान जथोत्तम अथा से मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट, उसके प्रत्युच्चारण से मृत्यु बहुत प्रसन्न होगी, तो बड़ा अगाध मेधा वाला है, इसको जरूर ब्रह्म विज्ञान देना है, बड़ा प्रसन्न हुए। और देवता का प्रसाद और रोष दोनों व्यर्थ नहीं जाता, देवता यदि प्रसन्न हो जाता है तो समझिए कि कुछ न कुछ अभ्युदय अवश्य ही करेगा, न प्रसादो व्यर्थ, और देवता कुपित है शनिचर भगवान के समान, तो कुछ न कुछ अनिष्ट करके ही दम लेगा, कहेगा नहीं शांति कर लेंगे, शांति कर लेंगे तो शांति कर लेंगे तो शांति के लिए रुपया पैसा नहीं चाहिए, वही अनिष्ट है। एक एक राजा के पास की कौन रहा बाबा, बाबा नहीं कोई आदमी था गिरौर, शनिचरा का पार पर चढ़ा था और जा रहा तो सामने प्रकट हो करके कहा तुम कौन हुआ, तो हम शनिदेव हैं, क्या चाहिए, आ तो हम तुम्हारे कपार पर कल से चढ़ेंगे, तुमको नष्ट करेंगे, क्या हमारा क्या बिगाड़ लोगे, देखते हैं तुम कैसे नष्ट करते हैं। तो क्या किया, सब धन और दान उन करके और संन्यास लेके कमंडल लेके लाल कपड़ा पहन के जा रहा था, और शनिचरवा जो है बिचवे में फिर ठठा करके हंसते हुए प्रकट हो गया, काला काला बात शरीर होता एकदम लप लप। तो कहा कि तब कहा सन्यासी और हमारा क्या बिगाड़ोगे, हम कहे ना कि हमारा क्या बिगाड़ेंगे, तो कहा अब इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे, तो कमंडल ले लिए, और कहाँ तुम राजा बन के बैठे थे, घोड़ा हाथी सब था, अब दर दर के ठोकर खाओगे भिक्षाटन करोगे, ये कम फल है, धन धान्य हिरण्य विनाश करो शनिचर, तो धन धान हिरण्य के विनाशकारी होता है, तो देवता का प्रसाद भी निष्फल नहीं, आ देवता का रोष भी, आ जिसका प्रसाद रोष दोनों निष्फल है वो मनुष्य नहीं कहलाता। यदि खुश किसी पर हुआ तो कुछ दाने न माने न तोषणम कर्तव्यम, आ नाराज हुआ तो क्षमा है तो बहुत बढ़िया है, क्षमाशीलता बहुत अच्छी चीज है, क्षमा कर दिया तो सुमानुष है,
तो ये प्रसन्न हुए जमराज, तो प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या दिया, तो एक माला दिया उसको, श्रृंकान चेमान गृहण आगे कहेंगे। अथ अस्य प्रत्युच्चारणे न शीघ्रता से उच्चारण प्रत्युच्चारण किया, तुष्ट सन अति प्रसन्न सन मृत्यु पुनरेव आह, पुनः उन्होंने कहा, क्या कहा, कहा कि तीन बर तो हमने कहा था, और चौथा बर तुम अपनी इच्छा से एक बर और मांग, यह प्रसाद है। बरत्रय व्यतिरेकेण अन्यम बरम दित्सुः, तीन बर को छोड़ करके कोई अन्य बर मांगने के लिए, वरदान देने की इच्छा से उन्होंने कहा, क्या कहा, तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा बरम तवेहा ददामि पूज्य, तवै वनान्ना भविताय मग्नि श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। जमराज ने कहा कि अच्छा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि है, ऐसे ब्रिलियंट छात्र तो हमको मिलवे नहीं किया था, तो इसलिए एक और वरदान देते हैं, क्या, तम नचिकेत सम अब्रवीत प्रिय माण प्रसन्न सन, शिष्य योग्यताम पश्चन इत्यर्थ, शिष्य की जो बौद्धिक योग्यता थी उसको देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। प्रिय माण प्रीति अनुभवन, प्री धातु दिव्या दिव्य स्यन स्यन है, इसलिए प्रिय मानव मालूम होता है कि कर्मण प्रत्यय है, कर्मण प्रत्यय नहीं है, प्रियते कर्त्री, कर्त्री है तिगम, और सनज प्रत्यय हो गया, तो प्रिय मानव प्रीति मनुभवन महात्मा दान दे रहे हैं, इसलिए महात्मा अक्षुद्र बुद्धि, महान आत्मा जस स महान आत्मा, क्षुद्र बुद्धि जिसको न हो, विशाल बुद्धि जिसकी हो, बहुत अधिक अर्थ क्षति होने पर भी जिसके बुद्धि में कुछ मालिन्य न हो, वो कहलाता है महात्मा, महाबुद्धि, विशाल और क्षुद्र बुद्धि। वरम तव चतुर्थम यह प्रीत निमित्तम अद्य इदानीम भूयामि, ये प्रीति निमित्तक माने प्रीति दान है वरदान, ये दान क्या है, प्रीति वरदान, प्रसन्न होकर के तुमको चौथा वर देता, भूया पुनः प्रयच्छामि, क्या वरदान दिया, का वरदान देते हैं कि ये जो अग्नि है अभी तक से तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध नहीं थी, अब इस अग्नि को, अग्नि विज्ञान को लोग क्या लोक में कहेंगे, नाचिकेतस अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगा, जैसे महाभाष्य पातंजल भाष्य कहलाता है, उसी तरह से तुम्हारे ही नाम से ये अग्नि विज्ञान प्रसिद्ध हो। इतना प्रसन्न हुए और मिला क्या चीज, तो ई विद्या तुम्हारे नाम से, अरे हमारे नाम से हुआ चाहे मौत हो, क्या अंतर पड़ता है, हाथ में क्या मिला, कोई कहे कि पोथी आपके नाम से हो जाएगा, ई नगर आपके नाम से कर दिया, आप मिलना कुछ नहीं, तो कर दो या मत करो, तो कुछ कम दिखाई दिया, इसलिए इन जमराज जो है दूसरा भी दिया, क्या दिया, एक तो यही है नचिकेतस अग्नि नाम से प्रसिद्ध होगी तो नचिकेता अमर न हो गए, नचिकेतस अग्नि का चयन वेद में लिखा है, कैसे कैसे चयन किया जाता है, जग जग आदि कांड जहाँ है वहाँ, अब नचिकेता जो है प्रसिद्ध हो गए इसी अग्नि के विज्ञान से, और बड़ी भारी धन संपदा किसी के नामे कर दिया जाए, कहेगी ये राज्य आपके नाम से हम कर देते हैं, तो उपभोक्ता न हो गया उसका, ये कम महत्व थोड़े है। और दूसरा यह है कि यदि ये कम भी मालूम होता हो तो श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण, एक माला दिया, श्रृंका मन माला, रत्नमयी माला, कहीं कहीं कर्ममयी माला लगाया जाता है, का इस माला को तुम अनेक रूप वाली मालाम गृहाण, वो लिख रहे तवैव नचिकेत सो नामना अभिधान न प्रसिद्धो भविता मया उच्यमानो यम अग्नि, बहुत बड़ा भारी महत्व है, किंच श्रृंकाम शब्दवती रत्नमयी, श्रृंकाम नाम क्यों पड़ा, श्रृंका माने माला, वो श्रृंकाम क्यों कहते हैं, तो ये रत्नों से बनी है, उठाते हैं तो झन झन करके बोलता है, शब्दवती है, रखते हैं तो शब्द होता है, और मिट्टी का माला बना दे, माटी का इतना बड़ा बड़ा गुड़िया या पत्थर का, तो रखेंगे तो न उठते आवाज आएगा न झुकते आवाज आएगा, और जब जब कोई अच्छी चीज रहती है ना पात्र विशेष, टनटना करके उसको देखा जाता है, सब गहना के आवाज से जो तत्वित हैं वो जान जाते हैं कि शुद्ध सोना का है, और जो थोड़ा भारी भरकम रहेगा तो कहेंगे कि अशुद्ध सोना का, आवाज से पहचान लेते हैं, उनकी आवाज कुछ दूसरी होती है, इसलिए शब्दवती में लिख रहे हैं,
शब्दवतीम घोषवतीम, घोषे घोष नहीं था, रत्नमयीम, रत्न से विकार इति रत्नमयीम, विकार अर्थ में मैट कीजिए रत्न अथवा प्राचुर्य में मैट, रत्न बहुलामित अर्थ रत्न का विकार थोड़े माला है, रत्न प्रचयाम रत्न प्रचुराम, केवल रत्न रत्न जिसमें गुथा हुआ, रत्न प्रचुराम मालाम इमाम अनेक रूपाम विचित्राम विविध रूपाम इत्यर्थ गृहाण स्वीकुरु। का इस माला ले लेने से क्या होगा, जदवा का ही माला का माला रत्न में अर्थ करेंगे तो कम होगा, देवता के हैं जा करके जाइए और इतने इंद्र भगवान के यहाँ एक ठे माला दे दे, सोने का दे दे चाहे रुद्राक्ष का दे दे, कम मूल्य रहने पर अश्रद्धा न होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण गए सुदामा जी गए जब तक रहे तब तक सिंहासन पर बैठे रहे, पीताम्बर पहनाए, स्नान ध्यान करा करके और खटरस भोजन कराए, जब आने लगे तो उतार रहे उनके समन्वय, सब पीताम्बर उतार के धर रहे हैं, कुर्ता उतार के धर रहे हैं, जो धोती कुर्ता सब धर दिए, चादर उधर दिए थे बढ़िया वो भी धर दिए। आई हो नहीं कहते हैं लोग, 1008 रानियां रही, एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि सुदामा जी ये सब पहने पहने चले जाइए, कोई नहीं करना, भगवान कह रहे हैं ना वो कह रहे हैं, तो ये देख करके कौन प्रीति जाहिर हो रही है, साधारण मनुष्य का कोई जाएगा अब फटा पुराना अपना वही धारण कर रहे उनके दरबारे में, अब कोई कुछ नहीं बोला, अब भले आदमी कहें कोई जाएगा चिथड़ा पहिर करके, चिथड़ा उतार करके आप धोती दे दीजिए कि बढ़िया पहिर लो, अब उतारेगा तो एक बार जरूर आदमी बोलेगा मानवता के नाते कि रहने दीजिए क्या जरूर पड़ी, आप पहरे पहरे चले जाइए, या कुछ जाएगा तो रास्ते में खाएंगे क्या पियेंगे, कुछ रोटियों बाटी लगा करके देगा कि नहीं देगा, एक कौड़ी नहीं दिए, जैसे आए थे उसी तरह से लपटी लिए बेचारे पनही और अपना कपड़ा पहरे धीरे धीरे चले गए, अब मन में सोचते जा रहे अच्छा हुआ कि भगवान से कुछ मांगे नहीं, देख लिए कि इतना भरी आलिशान है आई को कौड़ी हमको दिए नहीं, इसी बुद्धि से हम आए थे तो पछताना ही न हुआ, अच्छा हुआ कि हमने कुछ भगवान से मांगा नहीं, मांगते तो हमारी जबानों खाली जाती और कुछ मिलवो नहीं करता, लेकिन दुख था कि वो अपनी पत्नी को क्या समझावेंगे, उसी के तो कारण है, अब भगवान तो चुप्पी साधे थे, उनको जो नहीं देना था दे चुका, पहले दे दिए थे, पप का गठरी बांध दे, गठरी क्यों नहीं बांधा, उन्होंने सोचा कि उनके सामने कोई चीजें नहीं दिखाई दे रही, कम दिखाई दे रहा था, सोचे कि कितना धन दे देंगे इनसे तो जेबे नहीं करेगा, पूरा द्वारिका के कोसे दे देंगे ले कैसे जाएंगे, अब अशक समझे अब दे तो पाई दू पाई क्या दे, बड़े बड़े लोगों के बड़ी मानसा होती है, इसलिए कुछ बोले नहीं, एक दिन के लिए पीताम्बर दे ही देंगे तो कौन दिन चलेगा, ऐसा क्यों ना करेंगे जीवन भर पीताम्बर पहनता रहे, तो दो लोग दे चुके थे, उस बूढ़ रहस्य है किंतु देखने में ऐसा व्यवहारिक रूप में पड़ता है कि आते समय किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जो ले गए तो वो छीन करके खा गए, नहीं वो रहता थोड़ा सा चूड़ा वड़ा तो रास्ते में पानी वानी पीते कि नहीं पीते, जो था वो छीन लिए, नहीं दे रहे थे तो जबरियन छीन छान के ले लिए और वैसे चले आए, तो भगवान के देना दूसरे ढंग का रहता है, तो ये सोच रहे हैं कि रत्नमयी माला दिया तो क्या दिया, जमराज के लिए ईसत कर है, तो दूसरा अर्थ भगवत पाद लगा रहे हैं कि वो रत्नमयी माला नहीं थी, क्या थी, जद्वा श्रृंकाम, श्रृंका का अर्थ है अकुत्सिकताम गतिम, नचकेता के लिए ऐसी गति दे दिया उन्होंने कि जो अकुत्सित कभी भी कुत्सित गति में वो नहीं गया, यही उस श्रृंका का अर्थ, गतिम कर्ममयी गृहाणो, ऐसे सुकर्ममयी गति को दिया कि जो अच्छे अच्छे जग जाग आदि करने के बाद जिस लोक में गति होती है उसको उन्होंने ऐसे ही दे दिया बिना कर्म किए, फल रूप अनेक लोक है प्राप्ति, तो श्रृंकाम अकुत्सिताम गतिम कर्ममयीम कर्म विकार भूताम इत्यर्थ गृहाण, अन्यदपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वात् स्वीकुरु इत्यर्थ, इसका अर्थ हो गया कि यह तो आने के कारण हम तो दे ही दिए स्वर्ग अग्नि स्वर्ग हुआ, और यदि अन्य भी विविध लोकों में तुम कर्म के द्वारा जाना चाहते हो उन सब कर्मों कर्मजन्य कर्मोपपादित लोकों में
तुम्हारी गति हमने दे दी। श्रृंखला का अर्थ कर्म विद्या लेंगे ना, क्या कर्म मैं क्या दिए, ज्ञानहीन कर्म मैं गति दिए, फल दे दिए। गति 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 मतलब क्या दिए? सामर्थ्य विशेष जाने का। अच्छा, मानिए कि स्वर्ग में जाना है तो हम लोगों के स्वर्ग में जाने का सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य कब होगा? जब आत्मा संस्कृत होगा। किसके द्वारा? जगादि के द्वारा। तो जगादि के द्वारा आत्मा संस्कृत हुआ तो स्वर्ग जनक स्वर्गोपादक पुण्य विशेष आत्मा में आया तो कहेंगे कि अब जाने की गति हमें प्राप्त हो। तो कर्म निष्पादित करने के बाद न गति हुई और उन्होंने कृपा करके श्रृंखला दे दिया। श्रृंखला का मतलब कि विविध कर्म जन्य फल प्राप्ति की सामर्थ्य विशेष दिया। तो गति दे देना, गति देना मैंने परमिट दे दिया उनको। क्या कर दिया? परमिशन दे दिया, चाहे इस लोक में जाओ, चाहे उस लोक में जाओ, चाहे उस लोक में, चाहे उस लोक। ऐसे पहले से प्राप्त नहीं न था। लोक में जाएंगे तो पुण्य के बिना नहीं न जा पाएंगे। और उन्होंने अपने अपने इच्छा से गति दिए श्रृंखला। उसका अर्थ अंत में लिखा है ना, अन्यदपि कर्म विज्ञानम, अथवा विज्ञाने दिया इन इन लोकों में जाने का रास्ता बता दिया, विज्ञान दे दिया। कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वात् स्वीकुरु, अनेक फल के हेतु अन्य अन्य कर्म विज्ञानों को स्वीकार स्वीकार करो, हो गया ना। और फिर उसी कर्म अग्नि कर्म की उपासना एक मंत्र से और कर रहे हैं। त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत संधिम त्रिकर्म कृतरत जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देव मिद्यम विदित्वा निचाये माम शांतिमत्यंत मेति। प्रशंसा करे इसी उसी अग्नि का। पुनरपि कर्म स्तुति में वाह, उसी अग्नि कर्म के स्तुति को करें, प्रशंसा कर रहे हैं। प्रवृत्ति अर्थम प्रशंसा। त्रिनाचिकेत त्रिनाचिकेत बन नचिकेतस तो अग्नि हुई, नचिकेतस नाम के वो अग्नि विज्ञान था। उसके पहले वो स्वर्ग साधन भूत अग्नि कहा जाता रहा, कुछ नाम विशेष नहीं था। नचिकेता तो को दिए तो उस दिन से वो अग्नि का क्या नाम पड़ गया, नाचिकेतस अग्नि। त्रिनाचिकेतस का क्या अर्थ है? त्रिह, त्रि का अर्थ हो गया त्रिह कृत्व इति। त्रिह कृतो नाचिकेतो अग्निश्चितो, त्रिह कृत्व नाचिकेतो, त्रिह कृत्व लिखा है, त्रिह कृतो नाचिकेतो अग्निश्चितो। छांदस को कर दिया ना, छांदस से करना पड़ेगा। त्रि शब्द से क्रिया या अभ्यावृत्ति गण ने कृत सूचित, क्रिया के जब अभिवृत्ति मैंने एक बार दो बार तीन बार ऐसे कहना होता है ना, तो कृत सूच प्रत्यय।